हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल टॉर्च घर पे ही बना सकते हो। सो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहें, और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सनबोर्ड के कुछ पीसेस लिए हैं, जिसके मेजरमेंट मैंने जो है इसके ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। ये सभी जो मैंने सेंटीमीटर्स में कट किए हुए हैं, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने कितने पीसेस में इन सभी पीसेस को जो है कट किया है। आप चाहो तो यार MDF बोर्ड या फिर किसी बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पर इन सभी पीसेस को जो है साथ में जॉइंट करके एक बॉक्स बना लूँगा, और इसको जो मैं फास्ट ग्लू की मदद से यहाँ पर चिपकाने वाला हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको चारों साइड से पैक कर दिया है, लेकिन मैंने एक साइड यहाँ पर ओपन रखा है, और इसको जो मैं बाद में यहाँ पर पैक करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पर दो बैटरीज ली हैं, 18650 मॉडल नंबर की जो बैटरी होती है, और इन दोनों बैटरीज का जो है मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर लगाने वाला हूँ। आप चाहो तो यार दो से ज़्यादा बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। और इसको जो मैंने प्लस का प्लस और माइनस का माइनस वायर जो है मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है साथ में। और यहाँ पर देखते हैं बैटरी जो हमारी फुल्ली चार्ज है, मैं इसको जो है आपको टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल होता है, जो आपको 30 to 40 rupees में मिल जाएगा, और इसको जो है मैं यहाँ पर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और ये है एक कंट्रोलर है, जिससे मैं इसका जो लाइट की जो है ब्राइटनेस को जो है कंट्रोल करने वाला हूँ, कम या ज़्यादा करने वाला हूँ उसके लाइट को। और यहाँ पर मैंने 3 जो है यहाँ पर LED स्ट्रिप यूज़ किए हैं, जो कि 4 वोल्ट पे वर्क करती हैं, जैसा कि आप इस पर क्लियरली देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है। और इस पर जो है प्लस और माइनस का जो है यहाँ पर सिम्बॉल भी दिया हुआ है कि कौन सा साइड प्लस है और कौन सा माइनस। सो इन सभी जो हमारा जो प्लस और माइनस का कनेक्शन है, मैं इसको जो है वायर की मदद से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा, रेड वाला प्लस में और ब्लैक वाला जो है माइनस में। कुछ इस तरह से मैंने इसको सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो हमारी बैटरी थी, उसको जो है मैंने यहाँ पर प्लस का प्लस में और वायर और माइनस का माइनस में जो वायर होता है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर डबल टेप की मदद से मैं इसको जो है इस बैटरी को अपने बॉक्स में जो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर दूंगा, और हमारा चार्जिंग मॉड्यूल जो है कुछ इस तरह से इसमें लगाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि इस पर प्रॉपरली फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चाहो तो इसे छोटा या बड़ा साइज़ का भी जो बॉक्स बना सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वायर जो है यहाँ पर कुछ और कनेक्ट कर दिए हैं, जैसा कि बैटरी का जो है दो आउटपुट के वायर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं। और इसका जो है ब्लैक वाला वायर माइनस का है और रेड वाला प्लस का है। और उसके बाद जो हमारा जो डबल टेप होता है, उसकी मदद से मैं इसको जो है यहाँ पर इस तरह से परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। और फ्रेंड, हमारा जो आखिरी पीस था उसको मैं इस कंट्रोलर पे लगाने वाला हूँ। और लेकिन उसके पहले जो हमारा जो प्लस वाला वायर है यानी रेड वाला, उसको मैं यहाँ पर कट करके कुछ इस तरह से जो हमारा कंट्रोलर का दो जो यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं उस पर मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूँगा कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं इस कंट्रोलर का जो इसमें लगाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे इसमें होल करना पड़ेगा। सो ये जो है सनबोर्ड है, तो इसमें ईजिली जो है इस सोल्डरिंग आयर से जो है ईजिली होल हो जाता है। और इसमें होल करने के बाद मैं इसको ग्लू गन से इसमें परमानेंटली फिक्स कर दूंगा, ताकि यार ये जो है एक जगह पे फिक्स हो जाए और बार बार हिले नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कंट्रोलर जो है काफ़ी अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो गया है, और इस पर काफ़ी अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर इस पर चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद मैं जो हमारा ऊपर का जो है यहाँ पर टॉप था, उस पर मैं यहाँ पर मेजर करके देख रहा हूँ कि ये जो इस पर प्रॉपरली फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये जो है इस पर प्रॉपरली फिक्स हो रहा है। अब मैंने इस पर एक डबल साइड ट्रांसपेरेंट टेप चिपका दिया है, और आपको यहाँ पर देख क्लियरली दिख नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो पूरा क्लियर होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है। आप चाहो तो यहाँ पर फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविक्विक यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी से करना, क्योंकि अगर LED में फेविक्विक चली जाएगी तो हमारी LEDs जो है सभी ख़राब हो जाएंगी। और उसके बाद मैं इसको इसमें जो है जो हमारा जो मैंने यहाँ पर दो वायर निकाला था इनपुट देने के लिए रेड एंड ब्लैक वाला, उसको मैं इस तरह से इस पर सोल्डरिंग कर दूँगा, रेड का रेड में और जो हमारा ब्लैक वाला है उसको ब्लैक में, यानी प्लस का प्लस में और माइनस का जो है माइनस में यहाँ पर वायर का कनेक्शन कर दूंगा। और वायर का कनेक्शन करने के बाद मैं इसके टॉप को जो है कुछ इस तरह से इसके अंदर हमेशा के लिए इसमें फिक्स कर दूंगा, और इस पर थोड़ा सा फेविक्विक भी लगा दूंगा, ताकि इस पर जो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा टॉर्च जो यहाँ पर रेडी हो चुका है पूरी अच्छी तरह से, और मैं इसको यहाँ पर टेस्ट करके भी आपको दिखा रहा हूँ, इसको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कितना ब्राइट जो है लाइट दे रहा है। और मैं इस वीडियो में और आगे भी आपको इसका पूरा अच्छी तरह से टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे ऊपर जो है चार्जिंग मॉड्यूल है, और इस पर मैं यहाँ पर अभी नहीं ब्रांडिंग भी करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी LED जो कुछ इस तरह से दिखती है, और मैंने यहाँ पर स्टिकर्स बनाए थे। स्टिकर किस तरह से बनाते हैं, सो आप जो है उस वाली वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हो, और मैंने इस पर जो अपनी ब्रांडिंग कर दी है।
फ्रेंड आप चाहो तो यार इस तरह के जो है टॉर्च जो है बड़े ही आसानी से घर पे ही बना सकते हो। इसके डायमेंशन जो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, और आप जो है यहाँ पर अगर आप इसको चार्जिंग में लगाते हो तो इसके अंदर जो है रेड एलईडी इंडिकेट करती है, और जब यहाँ पर जो हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर एलईडी ब्लू हो जाती है। यहाँ पर शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यार आपको पता ही होगा कि कैमरा जो है लाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसकी लाइट जो है ब्राइटनेस जो काफ़ी अच्छी है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मेरे 500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो फ्रेंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।